लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा। ये एक ऐसी खबर है जो शायद आपको सोचने पर मजबूर करे कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। चीन के कई शहरों में लॉकडाउन के बीच भुखमरी की नौबत। बड़ी खबर, चीन के शियान प्रांत के लोगों ने कहा भूखे मरने वाले हैं। सोशल मीडिया पर लोगों की शिकायत, खत्म हो गया खाना। हर घर से एक शख्स को 3 दिन में एक बार निकलने की इजाजत। ये बड़ी खबर है, सीधे यहां पर दिखाएं लॉकडाउन के चलते क्या हालात वहां पर हो गए हैं। सीधे प्ले ऑन करें। चाइना से खबरें बाहर नहीं आती हैं, लेकिन सोशल मीडिया की ये ताकत है। चीन में लॉकडाउन, भूखे मरने के हालात। चीन के शियान में लॉकडाउन की वजह से भूख से मरने जैसी नौबत आ गई है। नंबर वन, चेंज करें इसको यहां पर। चीन के शियान में लोगों ने कई दिनों से खाना नहीं खाने की शिकायत की है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। शियान के कई निवासियों ने सोशल मीडिया पर कृपया मदद करें लिखकर गुहार लगाई है। शियान में लोगों ने शिकायत की है कि उनके पास घर का जरूरी सामान भी खत्म हो रहा है। चीन के 1,30,00,000 आबादी वाले शियान शहर में लोग 6 दिन से घरों में कैद हैं। विंटर ओलंपिक्स की वजह से परेशान सरकार ने सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। यहां पर मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ अशोक सर मौजूद हैं। अशोक सर, विंटर ओलंपिक्स इनके दिमाग में चल रहा है, लेकिन चाइना इज गेटिंग द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, ऑफ देयर ओन वायरस, सॉरी। अगर इसकी बात की जाए, आपको विंटर ओलंपिक्स पे कितना बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है जो उनके लिए प्रेस्टीज और प्राइड का सिंबल है? देखिए, मेरे विचार से तो ये ऐसी खबर है जो कि चीन बिल्कुल नहीं चाहेगा जो पूरी दुनिया को मालूम चले, क्योंकि इसमें देखिए दो बातें हैं। एक तो चीन हमेशा यही कहता रहा है, जो जैसे उसने इस वायरस को कंट्रोल किया है, न केवल हेल्थ इशू के साथ परंतु इकोनॉमिक तरीके से भी, क्योंकि पूरी दुनिया के चाहे सबसे बड़ी बड़ी प्रॉस्परस कंट्रीज अमेरिका, यूरोप वगैरह, वो सब अपने घुटनों पर आ गई। इसके साथ वो डील नहीं कर पाए, परंतु चीन ने बहुत अच्छा डील किया है। तो इसीलिए उसकी जो स्टैंडिंग है, क्लाउट है, प्रोफाइल है, इमेज है, उसमें ये बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और जहां आपने कहा है जो विंटर ओलंपिक जो फरवरी में होने वाले हैं, मेरे विचार से उसमें ये बहुत ही इसका अहम रोल हो सकता है, क्योंकि आपने देखा है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, बड़े ऐसे देश हैं जिन्होंने कहा है, जो क्योंकि वहां पर शिनजियांग में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो डिप्लोमेटिक ऑफिशियल तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो बहुत सारे एथलीट्स को भी ये सोचना चाहिए, जो ये गेम्स जिसको अब जेनोसाइड गेम्स कहा जा रहा है, इसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करें। तो ये अगर वहां पर हालात होते हैं तो ये उनको और सोचने पर मजबूर कर देगा जो वो इस गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करें। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।